हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशा और आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्कमसीशन के बारे में, यानी कि परिशुद्धकरण। इस्लामिक भाषा में कहें तो इसे खतना कहा जाता है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो अपनी बनाई थी कि बच्चों बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट कैसे ओपन करना चाहिए, उसको रिलेटेड, ठीक है। वो कुछ होम रेमेडीज के जरिए जो मैंने आपको बताया था। अब इस वीडियो के ऊपर एक व्यूअर ने मेरे क्वेश्चन किया कि सर्कमसीशन को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, सो उसके क्या क्या कारण है, कैसे करते हैं, फिर उसमें प्रोसीजर क्या क्या होगा, एंड ये कैसे इसका कह सकते हैं कि इसमें क्या यूज करते हैं डॉक्टर्स। ये सारे क्वेश्चन के जवाब मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्कमसीशन यानी कि खतना है क्या, ठीक है, और इसे क्यों नहीं कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए, इस दोनों के बारे में बात करेंगे। एंड इस सर्कमसीशन को लेके जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, जितने भी बहुत ज्यादा हाईफाई जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में, ऑल्सो कि इस बारे में कि अगर आपने डिसाइड किया है कि अपने बच्चों को अगर आपको करवाना है सर्कमसीशन तो क्या प्लानिंग करनी चाहिए आपको, एंड बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट सर्जरी कौन सी है सर्कमसीशन कराने की, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं सर्कमसीशन है क्या। दोस्तों, सर्कमसीशन यानी परिशुद्धकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट जो होता है उसके ऊपर जो फोरस्किन होती है, जो चमड़ी होती है, जो उस प्राइवेट पार्ट के को प्रोटेक्ट करती है, जो उस ग्लांस को प्रोटेक्ट करती है, उसे एक सर्जरी के थ्रू हटा दिया जाता है, जिसे सर्कमसीशन कहा जाता है, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि बच्चों में सर्कमसीशन क्यों नहीं कराना चाहिए। कराना नहीं चाहिए, पहले उस बारे में बात करते हैं। फोर स्किन जो है बेबी बॉय के ऊपर, जो प्राइवेट पार्ट के ऊपर जो फोर स्किन होती है, वो बेबी का एक बॉडी का एक पार्ट है जो कि उससे जुड़ा हुआ होता है ग्लांस को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो जब बाई बर्थ उसमें वो पाया ही जाता है ताकि वो उस ग्लांस को प्रोटेक्ट करके रख सके, जो बच्चे को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है और फॉर अ लॉन्ग टाइम जब बड़े होने के बाद में उन्हें इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। और ये होने की वजह से उनको डायरेक्टली उस ग्लांस पे, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, उस पर डायरेक्टली चोट लगने या फिर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए प्रिस्क्राइब किया जाता है कि ये जो सर्कमसीशन है वो ना कराया जाए। अब बात कर लेते हैं कराना क्यों चाहिए। बच्चों को सर्कमसीशन इसलिए कराना चाहिए क्योंकि सर्कमसीशन कराने के बाद में कुछ जो बच्चे कह सकते हैं कि जो हेल्दी बच्चे नहीं होते, लाइक जिनको फिमोसिस हो जाता है, उन बच्चों को सर्कमसीशन कराना पड़ता है। या फिर नॉर्मली अगर आप सर्कमसीशन अपने बेबी बॉय का कराते हैं, वो जो पार्ट है वो हटने की वजह से उनको फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और बच्चों में बड़े होने के बाद HIV एंड AIDS से बचने में ये हेल्प करता है, अगर बच्चे का खतना हो चुका हो तो, ठीक है। ये कुछ रीजन है कि बच्चों में ये आपको सर्कमसीशन कराना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार जो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड न्यूजीलैंड के एक्सपर्ट हैं, उन के अनुसार सर्कमसीशन कराना जितना बेनिफिशियल नहीं है उससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है एक हेल्दी बच्चे के लिए। अगर आपके बच्चे को प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होता, तो इट इज सजेस्टेड कि आप ना कराएं बच्चे का सर्कमसीशन, इन द केस आप अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हो तो। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस्लामिक धर्म और जैविश धर्म में ये पाया जाता है कि बच्चों का सर्कमसीशन कंपल्सरी करा जाए। ये बिल्कुल आप पे डिपेंडेंट है, मैं इसमें बिल्कुल भी पार्ट लेने वाली नहीं हूँ कि आपको जो ठीक लगे आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। अब द चॉइस इज योर्स एज अ पेरेंट, आपको चूज करना है कि आपको अपने बेबी का
सर्कमसिशन कराना है या नहीं, आपने उसके बेनिफिट भी जान लिए और ना कराने के बेनिफिट भी है और कराने के बेनिफिट भी है और दोनों ही के साइड इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। अगर आप नहीं कराते हैं तो फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा बच्चे को, मोस्ट कभी हो सकता है, और बच्चों में कह सकते हैं प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से। और अगर आपने करा दिया तो पेनिस कैंसर जो कहते हैं उससे बच्चा बच जाता है, HIV एड्स से बच जाता है, हेल्प करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम से बच्चा बचा रह सकता है। सो इट इज टोटली ऑन यू एज अ पेरेंट कि आपको अपने बच्चे का सर्कमसिशन कराना है या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिसाइड करना है, ठीक है। सो अगर आपने डिसाइड कर लिया है, या फिर कह सकते हैं अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसमें डॉक्टर्स खुद प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको अपने बच्चे के लिए ये सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। सो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, डॉक्टर्स आर नॉट फूल कि वो ऐसे बैठ गए, उनको सब पता होता है इस चीजों के बारे में। अगर ये केस हो कि आपके बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है उसके ऊपर की जो फोर स्किन है बहुत ज्यादा टाइट है, आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया मगर वो हट नहीं रही, मतलब हिल नहीं रही या फिर पीछे की ओर हो नहीं रही, सो ये एक बहुत बड़ा टाइम हो जाता है कि डॉक्टर को ये प्रिस्क्राइब करना पड़ता है कि आप अपने बच्चे का सर्कमसिशन करा लीजिए, ठीक है। दूसरा है कि आपके बच्चे को फिमोसिस हो गया हो, मतलब कि वो जो एरिया है उस पर फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, तो भी डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब जरूर करते हैं कि आप अपने बच्चे को सर्कमसिशन दें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने डिसाइड कर लिया, आपने अगर अपना माइंडसेट रेडी कर लिया है कि हाँ मेरे को अपने बच्चे का सर्कमसिशन कराना है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे प्लान करना है, उस बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले एज अ पेरेंट आपको एक परफेक्ट पीडियाट्रिशियन ढूंढना है, जी हाँ दोस्तों बहुत जरूरी है एक एक्सपीरियंस्ड पीडियाट्रिशियन ढूंढना, जो और उसके पास जाके आपको ये पूछना है उससे, सब कुछ आपको उसके बारे में नॉलेज लेके ये पूछना है आपको कि उन्होंने इससे पहले कितने प्रोसीजर कर रखे, विच इज वेरी कॉमन, आप पूछ सकते हैं। एंड कितने प्रोसीजर में ऐसा हुआ है कि इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, ठीक है, थीके? ये आप पहले ही शुरू से क्लियर हो जाए, ऑल्सो आप इसकी कॉस्ट जान सकते हैं उन पीडियाट्रिशियन से, ठीक है। अब आपने प्लान कर लिया, आपने सब कर लिया, अब बात करते हैं कि क्या एज बेस्ट है बच्चों में ये सर्कमसिशन कराने की। सो मानी जाती है बेस्ट एज 0 to 3 months, जी हाँ दोस्तों 0 to 3 months जो होता है वो बच्चों को बहुत ही लीस्ट पेनफुल सेशन होता है सर्कमसिशन का। यूएस में पहले ये चलन था कि जैसे बेबी बॉय बॉर्न होता है तुरंत के तुरंत उसे सर्जरी थ्रू ही, सर्कमसिशन थ्रू ही पास करा के फिर ही पेरेंट को दिया जाता था, बट अब ऐसा नहीं होता, ये मॉम एंड डैड का खुद का एक डिसीजन बन जाता है कि उन्हें किसके थ्रू जाना है, ठीक है। सो अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आपने पहले प्लान कर लेना है। अब बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा 0 to 3 months से ऊपर है तो दोस्तों तो भी आप अपने बच्चे का अंडर 2 years करा सकते हैं, विच इज वेरी गुड कि आप पहले ही उसे सर्कमसिशन करा लें, उसको रिलीफ मिलने में और उस चीज से राहत मिलने में या फिर इस पेन रिकवर होने में उसे जल्दी ये हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगर बच्चा छोटा है तो, ठीक है। आप अंडर 2 years भी अपने बच्चे का ये सर्कमसिशन करा सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेस्ट सर्जरी, बेस्ट वे कौन सा है सर्कमसिशन का। सो माना जाता है बेस्ट वे सर्कमसिशन का, बेस्ट वे ये है दोस्तों प्लास्टिबेल मेथड। प्लास्टिबेल मेथड बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा बेस्ट मानी जाती है, ये सबसे कम पेन देने वाली मेथड है, कोई स्कार कोई स्टिचेस कुछ भी नहीं होता है इस मेथड में, और इसमें ज्यादा पेन भी बच्चे को फील नहीं होता है,
ये अम्बलिकल कॉर्ड जानते हैं ना आप लोग, नाभि पे जब बच्चा पैदा होता है तो एक नार झुरी होती है जिसको काट दिया जाता है, जो वो मेथड होती है ना, सेम मेथड से ये प्रोसेस फॉलो होती है। सो अब मैं बता देती हूँ ये मेथड कैसे और किस तरीके से डॉक्टर्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आप अपने बच्चे को लेके जाते हैं इस मेथड के लिए सर्जरी के थ्रू, तो सबसे पहला जो काम करते हैं वो लोग वो करते हैं बच्चे का, बच्चे को एक इंजेक्शन देते हैं एनेस्थेटिक का, ठीक है, जिससे वो बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है उसके टो पे दिया जाता है इंजेक्शन, जिससे वो सुन्न हो जाता है जी। उसके बाद वो लोग बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है उसकी जो कैप है, जो फोरस्किन है, उसको थोड़ा सा खींचते हैं किसी कह सकते हैं एजेंट के थ्रू, उसको थोड़ा सा स्लाइटली ओपन किया जाता है एंड एक प्लास्टिक रिंग उसमें बिठा दी जाती है, ठीक है। वो प्लास्टिक रिंग लगाने के बाद में उसके ऊपर का जो कैप है उसके ऊपर एक स्ट्रिंग बांध देते हैं, जो कि मेडिकल स्ट्रिंग आती है, वो सर्जरी स्ट्रिंग कहते हैं, जिससे स्टिचेस लेते हैं, उसे प्रॉपरली बांध दिया जाता है एंड छोड़ दिया जाता है। दैट्स इट, यही एक बस इतना ही होता है इस सर्जरी में। और इस सर्जरी को करने में कम से कम वन एंड हाफ आवर लगता है, डेढ़ घंटे जैसे लग जाते हैं इस सर्जरी को करने में। और ये जो प्लास्टिक रिंग है ये अपने आप जैसे अम्बलिकल कॉर्ड गिरती है उस तरीके से ये गिर जाती है। अगर आपका बच्चा 3 मंथ से छोटा है तो 5 से 7 दिन में गिर जाएगी, अगर इससे थोड़ा बड़ा है आपका बच्चा तो मे बी ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेगी, 10 दिन या 15 दिन में ये निकल जाएगी, ठीक है। और कोई स्टिचेस कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। और हाँ, ये हो सकता है कि आप जैसे आप करवाते हैं ये, उसके बाद में क्या होता है आपके बच्चे को उस पार्ट पे 4 से 5 दिन तक थोड़ी सी स्वेलिंग रहेगी, ये होता ही होता है, नॉर्मल सी चीज है। ऑब्वियसली आप किसी बच्चे के कोई पार्ट पे अगर कुछ चीज ऐसे बिठा दी गई हो तो उसे थोड़ा स्वेलिंग तो रहने ही वाला है और स्लाइटली कह सकते हैं एकदम थोड़ा सा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और हाँ जी, और इसके बाद में क्या होता है, डॉक्टर्स कुछ ऑइंटमेंट्स और कुछ पेन किलर्स देते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, ताकि आप उसको सूद कर सके बच्चे को। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे को कैसे सूद करते हैं, कैसे उसे कंफर्टेबल करते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी मेथड मानी जाती है सर्कमसीजन की। दोस्तों ये मैंने जो भी आपको एडवाइस दी है ये थ्रू मैंने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ही आपको एडवाइस दी है, मेरा ये कोई पर्सनल कुछ भी नहीं है कि आप बच्चे का खतना कराएं या ना कराएं, टोटली ये एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आपका डिसीजन है। यू हैव टू चूज वॉट यू वॉन्ट टू डू टू योर चाइल्ड। अगर आपके बच्चे को डॉक्टर ने रिकमेंड किया तो जरूरी बन जाता है सर्कमसीजन कराना, वरना ये बिल्कुल आपका चॉइस है कि आपको बच्चे का सर्कमसीजन कराना है या नहीं, दिस इज परफेक्टली योर चॉइस। सो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।